नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सऊदी से पंगा, अब अपने मुल्क के लिए बेहद भारी पड़ने जा रहा है। सऊदी अरब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। प्रिंस सलमान पाकिस्तान के अकल ठिकाने लगाने के लिए धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले सऊदी ने पाक से अपना कर्जा वापस मांगा, उसके बाद उधार में दिए जाने वाले तेल की आपूर्ति रोक दी। अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक सऊदी में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकालकर वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। यानी प्रिंस सलमान के गुस्से की गाज पाक के बच्चे बच्चे पर गिरने वाली है। अगर सऊदी ने अपनी धरती से 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाल फेंका तो पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। 3,49,00,000 की जनसंख्या वाले सऊदी अरब में 10,60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। यह सऊदी अरब के रियाद, खोबर, जेद्दा, मक्का, जुवेल और दमाम जैसे शहरों में बहुत यात में है। इनमें बहुत से मदरसा छात्र ऐसे भी हैं जो सऊदी अरब में जन्मे हैं मगर पाकिस्तानी मूल के हैं। कई पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और सैनिक भी सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और सऊदी सैन्य कैडेट्स को प्रशिक्षित करते हैं, जबकि पाकिस्तान के ज्यादातर नागरिक या मजदूरी करते हैं और काफी लोग भीख मांगकर पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। प्रिंस सलमान ने सऊदी प्रशासन को एक आदेश जारी करके देश में मौजूद सभी देशों के नागरिकों की ठीक ठीक जानकारी मांगी है। हालांकि इसमें किसी एक देश का नाम नहीं है, लेकिन प्रिंस सलमान का टारगेट क्या है यह बिल्कुल साफ हो चुका है। उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहा है कि उन्हें इस संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराए जाए कि किस देश के कितने नागरिक सऊदी में काम करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने ये भी जानना चाहा है कि वह कौन सा देश है जिसके नागरिक सऊदी में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाओं में लिप्त हैं। सऊदी में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए यही जवाब भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब में ज्यादातर अपराधों में पाकिस्तानियों की संलिप्तता किसी से छिपी नहीं है। सऊदी की जेलों में वर्तमान में 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी कैद हैं। हालांकि पिछले साल इमरान ने इन कैदियों को छोड़ने के लिए प्रिंस सलमान को राजी कर लिया था, मगर बाद में सऊदी ने इन्हें छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान में घबराहट बढ़ रही है कि अगर सऊदी ने पाकिस्तानी वर्कर्स को देश वापस भेजने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस तरह से सऊदी आग बबूला है उसे देखते हुए पाक के विरुद्ध कोई भी ठोस कदम उठा सकता है। खास बात यह है कि सऊदी अरब के शौकी का स्वभाव अटी माना जाता है, ऐसे में लगता नहीं है वे आसानी से पाकिस्तान को बकस देंगे। पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ा दावा है कि सऊदी ने पाकिस्तान से अब $1 बिलियन और चुकाने को कहा है। यानी पहले $1 बिलियन तो चीन से लेकर दे दिए, अब पाकिस्तान के लिए यह दूसरी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पाकिस्तान ने सऊदी को अपनी मजबूरी बताई है कि यह एक बहुत बड़ी राशि है, उसके जैसे फकीर और कंगाल मुल्क के वश में से जल्दी चुकाना आसान नहीं है। मगर सऊदी ने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी जल्दी हो उनका पैसा वापस चुका दीजिए। पाकिस्तान की तरफ अभी $2,20,00,000 बकाया है। सऊदी ने यह कर्ज साल 2018 में पाकिस्तान को दिया था। इस रकम पर सऊदी 3.3% की दर से पाकिस्तान से ब्याज की वसूली भी कर रहा है। प्रबलता यूं है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच संबंधों में दरार गहरी हो रही है। सऊदी के पास पाक पर एक्शन करने के कई सारे विकल्प हैं। सहमा पाकिस्तान अब उच्च स्तरीय डेलीगेशन रियाद भेज रहा है, पर लगता नहीं है कि सऊदी अब इस मदरसा मुल्क के झांसे में आने वाला है, क्योंकि यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि शाह महमूद कुरैशी ने जो बकलोली की उसके पीछे पाक फौज का पूरा समर्थन था। कश्मीर से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलने से कुंठित पाक फौज ने कुरैशी से यह बयान दिलवाया था, जिसमें OIC से तार विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की सऊदी को धमकी दी गई। ऐसा करके मदरसे के अनाड़ी बुल्ला सऊदी के रुख को भापना चाहते थे, पर इन जाहिलों को मालूम नहीं था कि सऊदी इनकी इतनी बढ़िया से बजा देगा। अब हालत यह है कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सारे टोपीबाज कटोरों में चवन्नी की तलाश में व्यग्र हैं। आखिर सऊदी का पैसा इकट्ठा करना है, पर यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। UAE में करीब 15 लाख पाकिस्तानी मुल्ला रहते हैं, जो भारत के बाद UAE में सबसे ज्यादा प्रवासी है। UAE लगातार पाकिस्तान को आर्थिक मदद पहुंचाता रहा है। साल 2019 में पाकिस्तान को UAE से $3 बिलियन की रकम मिली थी। वहीं $3.2 बिलियन आगे देने पर सहमति बनी थी। कोरोना वायरस संकट के समय भी UAE ने आर्थिक और मेडिकल सहायता पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है। खबर है कि UAE ने पाकिस्तान पर सख्ती के संदेश देने शुरू कर दिए हैं, जिससे पाक हुकुमरानों में चारों तरफ खलबली मच गई है। अगर UAE ने भी अपने पैसे वापस लेने का फरमान सुना दिया तो पाकिस्तान पीठ के बल लेट जाएगा। UAE सऊदी अरब का कर्ज $8 अरब से भी ज्यादा है,
जिसे चुकाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। अगर चीन से पैसा लेकर इन देशों को लौटाया गया तो या चीन पूरी तरह से पाकिस्तान पर कुंडली जमा लेगा, जबकि कंगाल पाकिस्तान के हालात पहले ही बेहद बुरे चल रहे हैं। खाड़ी के इन दोनों देशों में 25 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं। अगर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया तो पाकिस्तान के सामने इतिहास का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बकलोली की खाड़ी देश इतनी सख्त प्रतिक्रिया देंगे। शुरुआत में पाकिस्तान को यही लगा था कि ओआईसी को बचाने के लिए सऊदी अरब उनके आगे गिड़गिड़ाने आ जाएगा, वह पाकिस्तान की मान मनोवर करेगा और बदले में चुप रहने के लिए उन्हें कुछ मदद भी दे देगा। मगर मामला यहां तक पहुंच जाएगा इसकी कल्पना तक किसी को नहीं थी। वैसे भी सऊदी अरब काफी वक्त से पाकिस्तान की हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था। वह कश्मीर मुद्दे के द्वारा सऊदी पर अनावश्यक दबाव डालकर उसे झुकने पर मजबूर करने की फिराक में था। इसके लिए तुर्की, कतर और मलेशिया के साथ मिलकर नया गठजोड़ बनाने के संकेत दे रहा था। मगर मलेशिया में महातिर मोहम्मद के सत्ता गंवाने के बाद उसका यह मंसूबा नाकाम हो गया। पर इसके बावजूद पाकिस्तान ने लीबिया पर तुर्की की कार्रवाई का समर्थन करके एक नया दांव खेल दिया। तुर्की और यूएई के रिश्ते हाल के दिनों में बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। तुर्की जहां लीबिया की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड को सपोर्ट करता है, वहीं फ्रांस, रूस, यूएई और इजिप्ट जैसे देश खलीफा हफ्तार और उसके लड़ाकों का साथ देते हैं। पिछले दिनों लीबिया की सरकार ने तुर्की के सपोर्ट से हफ्तार के हमलों को रोक दिया था। पाकिस्तान खुलकर तुर्की के पक्ष में खड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की मदद जितनी खाड़ी देश करते हैं, तुर्की पाकिस्तान को मदद के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं देता है। सऊदी अरब और यूएई इस मदरसा मुल्क को सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। यहां तक कि हर साल ईद पर हजारों पाकिस्तानी भिखारी भीख मांगने के लिए इन देशों में जाते हैं। पर मामला यहां तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान को लेकर यूएई, सऊदी अरब जैसा कि तैसी की नीति पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान इन देशों की सुरक्षा में जो सहयोग देता था या ये देश इसके लिए पाक पर आश्रित थे, काफी वक्त से ये जिम्मेदारी भारत भी उठा रहा है। पिछले साल सऊदी रिफाइनरी पर हुए अटैक में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख राहिल शरीफ की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। सऊदी तभी से पाकिस्तान को लेकर सतर्क था, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों द्वारा की जा रही सऊदी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई थी। अगर सऊदी इन हरामी पाकिस्तानियों को अपनी धरती से भगाता है तो केवल इन प्रवासियों के लिए ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वैसे भी इस बात की संभावना बहुत कम है कि इन दोनों देशों के रिश्तों में फिर से मिठास घुल सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।